हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल होम मेकर टू व्लॉगर। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। पीछे जो आप बड़ा सा स्टेडियम देख रहे हैं, ये स्टेडियम है एकाना क्रिकेट स्टेडियम। ये स्टेडियम लखनऊ का है और ये व्लॉग तब का है जब हमारा लखनऊ में लास्ट डे था। आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोगों का ट्रांसफ़र हो चुका है लखनऊ से तमिलनाडु, तो मुझे लगा ये व्लॉग मुझे आपके साथ शेयर करना चाहिए जब हम लोग लखनऊ में थे और ये हमारा लास्ट डे था। नेक्स्ट डे मेरे हस्बैंड की फ़्लाइट थी क्योंकि उन्हें विद इन अ वीक ज्वाइन करना था, उनको निकलना था, तो हमें कुछ अर्जेंट सामान ख़रीदना था जिसके लिए हम लोग इस मॉल में आए हुए हैं। ये है लखनऊ का बहुत ही पॉपुलर मॉल फीनिक्स प्लासियो, बहुत ही अच्छा मॉल है, यहाँ सारी चीज़ें मिल जाती हैं। और तमिलनाडु आने के बाद ये सारी वीडियोस देखकर मैं भी लखनऊ को बहुत मिस कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पे ऐसा इतना बड़ा कोई मॉल नहीं है और लखनऊ से काफ़ी यादें जुड़ी हुई हैं। पूरे 3 साल वहाँ पे रहे हैं और उसके बाद अभी न्यू डेस्टिनेशन पे आ गए हैं हम लोग और यहाँ पर नई जगह पे एडजस्ट होने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है क्योंकि काफ़ी समय हम लोग नॉर्थ साइड में रहे हैं और अब अचानक से साउथ में आ गए हैं, तो थोड़ा सा एडजस्ट होने में टाइम तो भी लगेगा। और यहाँ पर हम लोग अपनी गाड़ी पार्क कर दे रहे हैं और इसके बाद हम सब लोगों को भूख लगने लगी थी, तो यहाँ हम फूड कोर्ट में आ गए हैं और यहाँ कृष्णा को खाने हैं फ्रेंच फ्राइज़ और बाकी हम सब लोग खाने वाले हैं बर्गर। और यहाँ पे बहुत भीड़ हो रखी है मॉल में, इजीली यहाँ पे सीट मिल नहीं रही थी। आप देख सकते हैं कितनी भीड़ है। हम लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि कोविड के टाइम पर इतनी ज़्यादा भीड़ होगी, लेकिन जब हम लोग यहाँ पर आए तो बहुत भीड़ थी यहाँ पर। और सामने कृष्णा के पापा लेके आ रहे हैं बर्गर और फ्रेंच फ्राइज़, तो हम सब के यहाँ पे बर्गर आ चुके हैं, कृष्णा के फेवरेट फ्रेंच फ्राइज़। कृष्णा के पापा खाने वाले हैं चिकन तंदूरी ग्रिल बर्गर, मैं खाने वाली हूँ पनीर ओवरलोडेड बर्गर। तो ये देखिए कितना टेस्टी सा यम्मी सा बर्गर है। और यहाँ पे तो बर्गर किंग नहीं है जहाँ हम लोग अभी शिफ्ट हुए हैं, तो ये सब चीज़ें भी हम लोग बहुत मिस कर रहे हैं। और यहाँ पे कृष्णा भी बर्गर इंजॉय कर रहा है, उसको बहुत तेज़ भूख लगी थी। और ये है नेक्स्ट डे की क्लिप, यहाँ पे हम कृष्णा का हेयर कट करा रहे हैं और कृष्णा हेयर कट कराते हुए बिल्कुल भी रोता नहीं है, उसको बहुत मज़ा आता है और स्पेशली जब उसके हेयर ड्राई किए जाते हैं इस तरीके से, तब तो उसे बहुत ही मज़ा आ जाता है। और यहाँ पर कृष्णा अपनी फ्रेंड अविका के साथ खेल रहा है। आप लोग क्या खेलोगे इसके अंदर? क्या खेलोगे? कार। कार चलाओगे? हाँ। बिल्डिंग ब्लॉक्स बनाओगे? नो। शैतानी करोगे? हाँ। नो फाइटिंग? नो। मस्ती मस्ती? यस। और उसमें ऐसे सोएंगे? सोएंगे? आराम से धीरे 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 आगे आगे। और यहाँ पर बैग पैक हो चुके हैं, शाम की फ्लाइट है कृष्णा के पापा की, तो यहाँ पे कृष्णा के पापा तैयार होकर बैठ गए हैं और यहाँ पे कृष्णा पापा की शर्ट के बटन लगाने की कोशिश कर रहा है जो वो नहीं लगा पा रहा है और बहुत ट्राई कर रहा है। और यहाँ पे कृष्णा के पापा इमोशनल हो रखे हैं इसलिए थोड़े साइलेंट हैं, किसी से बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि फ़र्स्ट टाइम ऐसा है जब वो हम सबको घर पर छोड़कर इतना दूर जा रहे हैं और काफ़ी दिन के लिए जा रहे हैं, नई जगह है तो थोड़ा सा परेशान भी हैं क्योंकि पता नहीं है, पहली बार साउथ साइड में जा रहे हैं, लैंग्वेज इशू भी होने वाला है, बहुत सारे अरेंजमेंट करने हैं जैसे कि घर ढूँढना है, न्यू ऑफिस ज्वाइन करना है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। और यहाँ पे कृष्णा इतना ज़्यादा प्यार कर रहा है तो ऐसे टाइम पे छोड़ के जाने में तो और भी ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है।
और जब भी कहीं जाना होता है और ट्रॉली बैग में सारा सामान पैक करके रख देते हैं, तो उसके बाद कृष्णा ट्रॉली बैग से इस तरीके से खेलना स्टार्ट कर देता है। ये देखिए मेरा होटल का कमरा, इतनी बड़ी इन्होंने एम्बेसडर यहाँ लगा रखी है। और ये सामान कितना फैला हुआ है। ये छोटा सा रूम है मेरा, ये तंजौर में है। अब मैं आपको बाहर का व्यू दिखाता हूँ। ये देखिए बाहर कितना बढ़िया मौसम है, दूर एकदम बेहतरीन। घर कैसे कैसे हैं, लोग कैसे कैसे हैं, आखिर मैं बाहर जाके आपको पूरा व्यू दिखाता हूँ। कृष्णा के पापा अपनी न्यू लोकेशन यानी कि तंजौर पहुँच चुके हैं और यहाँ पर कृष्णा के नाना लेकर आए हैं कृष्णा के फेवरेट समोसे। सर्दी का मौसम है, ठंड हो रखी है और ऐसे में गर्मा गर्म चाय के साथ समोसे बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो हम सब यहाँ इंजॉय कर रहे हैं गर्मा गर्म समोसे के साथ टेस्टी अदरक वाली चाय। और यहाँ पे कृष्णा खेल रहा है, उसकी कार टूट चुकी है तो जो टूटा हुआ पार्ट है वो उससे खेल रहा है। कितना भी आप बच्चों को टॉयस ला के दो, बच्चे टॉय से नहीं खेलेंगे, लेकिन इस तरह की चीज़ों से बच्चों को खेलने में बहुत मज़ा आता है। तो यहाँ पे भी कृष्णा खेल रहा है और इसके बाद मैंने कृष्णा को यहाँ पे नहला दिया है और नहाने के बाद थोड़ी देर के लिए वो बाहर खेल रहा है अपने फ्रेंड्स के साथ और इस बहाने धूप भी मिल जाएगी। तो मैं यहाँ बाहर लेकर आई हूँ कृष्णा को। और यहाँ पर कृष्णा के साथ मैं भी थोड़ी देर के लिए धूप में बैठ गई थी। सर्दी में धूप में बैठने का एक अलग ही मज़ा है, बहुत अच्छा लगता है धूप में बैठना, स्पेशली जब आपके बाहर गार्डन में इतने सुंदर सुंदर प्लांट्स लगे हों, फ्लावर्स लगे हों, तो इन सबको देख के मन में एक अलग ही खुशी मिलती है। और बाहर आ गया है सब्जी वाला जिसपे ढेर सारी सब्जियां हैं और बहुत ही ताज़ा ताज़ा सब्जियां हैं। तो मैं यहाँ पे सब्जियां ले रही हूँ। आई होप आपने इस व्लॉग को एंजॉय किया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साइड में जो बेल आइकन दे रखा है उसे भी प्रेस कीजिएगा, जिससे आने वाले वीडियोज़ के सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सकें और आप मेरे सारे वीडियो देख सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट।